कहा जाता है सब आदमी रोते नहीं। मैंने 6-6 फिट के आदमियों को बिलक बिलक के रोते हुए देखा। हम सबका जो रिश्ता है, धागा है, वो दर्द का है। एक दूसरे को आप थमाते हो। हम जिस मोहल्ले में रहते थे खजराने में, हम जब मैं 8 साल का था तब हम शिफ्ट हुए, जो कि शहर के बाहर मुस्लिम गेटो। तो मुहर्रम का जो फेस्टिवल होता है वो बेसिकली इट्स अ मॉर्निंग फेस्टिवल, उसमें शहादतनामा पढ़ा जाता है। ठीक है, वॉर स्टोरी है, बहुत सारे लोगों की डेथ की कहानी है। और एक फैमिली है जो जिसको किसी ने इनवाइट किया है और वो बिना किसी वॉर की प्रिपरेशन के वहाँ से निकल गई है, और उसके बाद कैसे एक एक मेंबर उस फैमिली का धोखे से मारा जा रहा है, और उनके इंटर पर्सनल रिलेशंस हैं, और उसके आसपास की कहानियाँ हैं, ये मुहर्रम के दिनों में सुनाई जाती है। शहादतनामा इसको कहते हैं। कहा जाता है सब आदमी रोते नहीं है। मैंने 6-6 फिट के आदमियों को बिलक बिलक के रोते हुए देखा है। क्योंकि क्या है कि एक एक फैमिली मेंबर के मरने की कहानी है ना, इट्स स्टोरी ऑफ लॉस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लॉसेस। कभी 1.5 साल के बच्चे की, 6 महीने के बच्चे की मरने की कहानी, 17 साल की लड़की की मरने की कहानी, 52 साल के भाई के मरने की कहानी, अलग अलग तरह की कहानी है ना। मैंने अपने स्पेशल लक्ष्य सिंगल में भी कहा था कि दर्द ना ब्लैक होल की तरह वो खींचता है आपको, उसकी ग्रिप ना, उसकी जो पकड़ है आपकी हथेली पे वो ज्यादा स्ट्रांग है।